बड़ी खबर इस वक्त मौसम को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। देश में इस वक्त जबरदस्त ठंड पड़ रही है। आधा भारत शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। साल की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। आज भी देश के कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। IMD के अनुसार उत्तर पश्चिमी और आसपास के मध्य भारत के मैदानी इलाकों के कई हिस्सों में घने से बहुत घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। हालांकि आज के बाद कोहरे के धीमे धीमे कम होने की संभावना भी है। इसके अलावा मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में 2 जनवरी तक ठंड से गंभीर शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इसके कारण इन दोनों ही राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर स्थानों में पहले से ही पारा 0 के नीचे चला गया है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के कई क्षेत्रों में लगातार पारा गिरता जा रहा है। कश्मीर में भी ठंड से लोगों का बुरा हाल है। डल झील में कल ठंड के कारण पानी के ऊपर बर्फ की एक परत जम गई थी। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात के समय कई जगहों पर तापमान -5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कश्मीर को लेकर जारी किए गए अपने पूर्वानुमान में मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले दिनों में यहां पर तापमान -1 से -8 डिग्री तक जा सकता है। यहां ठंड के साथ साथ कोहरे ने मुसीबत और बढ़ा दी है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक।